क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप एक झटका दें। मैं हूं दिनेश गौतम। रानी साहिबा मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 6 महीने बाद जब सुरेंद्र शौरी जी एमएलए बन के जिला परिषद की सीट खाली हुई थी, यही वो जनता है, यही वो वार्ड है जिसने 6 महीने के अंदर सुरेंद्र शौरी जी को चुनावी हराया और मुझे पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जिला परिषद बनने का मौका दिया। मैं चाहता हूं कि फिर से एक बाय चुनाव है, बाय इलेक्शन है, दिल्ली की सरकार को ये पता चले कि जनता कितनी त्रस्त है, जनता कितनी महंगाई के प्रति चाहते हैं। मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज आपको ज्यादा पता है। एक मैं आपके ध्यान में डालूंगा, इसके फूल से हम सारे आए हैं, ये फूल भी थोड़ा सा आप देखेंगे इसकी हालत खस्ता हाल है। क्यों जी, अगर मैं सबसे आपसे पूछूं, आप बताइए कांग्रेस ना जी क्या बोलते हैं, ये पुल बदलना चाहिए, होना चाहिए। मैं आपके ध्यान में डाल, मैं चाहता हूं कि आप एक झटका दे। रानी साहिबा मैं बताना चाहूंगा कि मात्र 6 महीने बाद जब सुरेंद्र शौरी जी एमएलए बन के जिला परिषद की सीट खाली हुई थी, यही वो जनता है, यही वो वार्ड है जिसने 6 महीने के अंदर सुरेंद्र शौरी जी को हराया और मुझे पहली बार कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जिला परिषद बनने का मौका दिया। मैं चाहता हूं कि फिर से एक बाय चुनाव है, बाय इलेक्शन है, दिल्ली की सरकार को ये पता चले कि जनता कितनी त्रस्त है, जनता कितनी दुख में है महंगाई के प्रति, बेरोजगारी के प्रति। तो ये मौका आपके पास आज है, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि 30 तारीख को कांग्रेस का पटन दबा के रानी प्रतिभा सिंह जी को विजय बनाए। और मैं आश्वासन देता हूं कि जैसे आज आपके बीच में आपकी डिमांड थी कि रानी साहब यहाँ आपके बीच में आए, इन्होंने हमारी ये बात मानी और हम बंजार की बड़ी रैली छोड़ के अपनी तीर्थन घाटी में उनको यहाँ लाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि टीचर्स बठाड़ स्कूल में एक प्रिंसिपल नहीं है, टीचर नहीं है। स्थानीय शौरी साहब ने 4 साल में एक स्कूल खोला शक्ति मरौड़ में, वहाँ पर भी एक ही टीचर है और कई अन्य स्कूलों में। अपने आज आगाह करना है 30 तारीख को अपने रिश्तेदारों को, अपने सबको आपने बोलना है कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें। हम आप सबके बीच में कल से फिर आना शुरू करेंगे। आप सब यहाँ भारी मात्रा में यहाँ पहुँचे उसके मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सुविधा हम समय से पहुँचाते हैं, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ आपको ज़्यादा पता है। एक मैं महाराज आपके ध्यान में डालूंगा, इसी पुल से हम सारे आए हैं, ये पुल भी थोड़ा सा आप देखेंगे इसकी हालत खस्ता हाल है। क्यों जी, अगर मैं सबसे आपसे पूछूं, आप बताइए खस्ता हाल है ना जी क्या बोलते हैं, ये पुल बदलना चाहिए, होना चाहिए। तो महाराज मैं आपके ध्यान में डाल रहा हूँ, आने वाले समय में जब आप सांसद बनेंगे, क्योंकि एक बात तो निश्चित है कि आपने सांसद बनना है। जितना हम भी घूम रहे हैं, आपको पता है हमारे हम अभी जितनी देवी देवता है, हमको सौभाग्य मिला, जितने भी लोग हैं वो बेशक एक विचारधारा से, हमारी विचारधारा से ना जुड़े हों, पर आज के दिन माहौल ऐसा है कि लोग हैं परेशान महंगाई से, सरकार की नाकामियों से, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो। अब सब ने मन बना लिया कि इनको एक सबक सिखाना है, और सबक कैसे सिखाएंगे, सबक ये ऐसे सिखाएंगे जब आपको कांग्रेस पार्टी को अधिक से अधिक मतदान देंगे। ये मन बना चुके हैं, प्रण ले चुके हैं, मगर एक मैं आपसे निवेदन करूंगा, जितने मेरे आप साथी आए विभिन्न जगह से हैं, अपने दिन तोड़ा है, मैं धन्यवाद करूंगा कि आप जो आए हैं। एक आपसे मैं निवेदन करूंगा, विनती करूंगा, आप जब घर जाएंगे 4 दिन का समय बचा है, जहां रिश्ते नाते आपके चाहे से। आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।